अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जनाब शाहिद सईद साहब की दावत पर उनके दौलत खाने में हाजिर हुआ हूँ सर, साथियों के साथ। और यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक रात को हमने यहाँ पर शाहिद सईद साहब के साथ और एनपी के लोग दूसरे लोग आए हैं सबके साथ हमने यहाँ पर चाय पी कप मारी रात में। बड़ी खुशी है कि दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि कराची जो अरूफ बिलाद है और रोशनियों का शहर था, उसकी रोशनियों को वापस लाने के लिए, इस शहर को दोबारा उसका खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए और कराची में मोहब्बत और इशार के रिश्ते दोबारा जोड़ने के लिए ये वक्त है कि हम सब इकट्ठे होकर बिला तफरीक बिला इख्तियार मिलकर काम करें और जातियात को भूल जाएं, जाती अना और जाती पसंद को एक तरफ रखें। ये शहर जिसने अपनी गोद में पूरे पाकिस्तान की आबादियों को यहाँ पर सुनाया हुआ है और करोड़ों लोग यहाँ पर बसरे रोजगार हैं, ये पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है, ये पाकिस्तान का फ्रंट फेस चेहरा है दुनिया के आगे। ये शहर एक अजीम शहर है, हमें इसकी अजमत और इसकी शान को दोबारा जिंदा करना है और मिलकर हमें राज शहर को दोबारा पाकिस्तान और कायद आजम का कायद का शहर बनाना है। इसमें शाहिद सईद साहब ने बातें की है, मैं इसे 100% मुतफिक हूँ। यहाँ पर जो माजी के जो यहाँ पर दहशतगर्दी और दूसरे जो यहाँ पर टारगेट किलिंग और दूसरे जो बड़े बड़े जो कभी फेल होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत हद तक खत्म हो चुके और आज कराची तैयार है दोबारा तरक्की और खुशहाली की दौड़ में आगे जाने के लिए। मैं शाहिद सईद साहब को और आपको असंजाल वली साहब को और एन पी के बाद साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि PMLN आपके साथ मिलकर शाना बशाना इस शहर की तरक्की काम करेंगे और इस शहर को एक अजीब शहर बनाएंगे। आप सबका एक मतलब बहुत शुक्रिया और शाहिद सईद साहब ने जो मेरे बारे में जो एहसास किए, मैं अब उसके लाइव तो नहीं लेकिन उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हाथों में हाथ मिलाकर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और कराची की